बहुत मजबूत हो जाएगा और कहीं पोकल नहीं रहेगा पत्थर। ये है फिटिंग करने का दोस्तों सही तरीका। चलो आगे बताता हूँ पूरा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने पत्थर फिटिंग किया और ये वी ग्रुप बनाया, वी ग्रुप, और इतना 4 mm धार दिखाई है इस प्रकार से, तो इसका लुक और भी बढ़िया। ये दोस्तों कंप्लीट फिटिंग, और इस तरफ भी कंप्लीट आएगा। ये दोस्तों दोनों तरफ से अपना और लेवल में ये ऐसे फिटिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मोल्डिंग की धार एक ही मिला के दिखाऊंगा आपको, ये सीढ़ी और ये पूरी धार एक जैसी हेलो मिलाई दोस्तों, पूरी। मैं आज आपको बताता हूँ फ्रंट की सीढ़ी और पेड़ला पे और दीवार पे मार्बल लगाएंगे, और फ्रंट की सीढ़ी कैसे फिटिंग करें इसका परफेक्ट जानकारी मिलेगी स्टेप बाय स्टेप। और वीडियो में बने रहना, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा सही तरीके से। आप वीडियो को एंड तक देखना, और नए मिस्त्री भाई काम सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। हमारे वीडियो से आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा। चलो अब करते हैं काम की शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों हमने बनाया ये पत्थर, दो पत्थर चिपकाए, इसको यहाँ पे खड़ा करेंगे और यहाँ पे बनेगी नाली, और नाली का पानी अंदर चला जाएगा। इस बॉक्स को यहाँ पे खड़ा करेंगे, खड़ा करने के बाद में इसको बनाएंगे फर्स्ट वाली सीढ़ी। फर्स्ट वाली सीढ़ी बनाने के बाद में 6 सीढ़ी बनाएंगे। इस तरीके से काम करते हुए आगे बढ़ेंगे और वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी सुपर फिटिंग के साथ में काम। देखिए दोस्तों, दो पत्थर अपने चिपका के किए तैयार, और अंदर लगाइए रेंच, और इसको हम लगाएंगे पत्थर, और इसके बाद में यहाँ पे हम करेंगे सीढ़ी का टॉप। ये सीढ़ी फिटिंग होगी इस प्रकार से, और सीढ़ी फिटिंग करने के बाद में इस ये रेजर मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेजर और ये सीढ़ी 8 इंच की हाइट में बनाएंगे सीढ़ी, और ये भी 8 इंच की सीढ़ी है। ये दोस्तों ये 8 इंच सीढ़ी, ये 8 इंच सीढ़ी, सीढ़ी का रेजर और ये पूरी लाइन दोरी में हम फिटिंग करेंगे इसको। लाइन दोरी में मैं आपको दिखाता हूँ, लाइन दोरी में फिटिंग करेंगे ये रेजर और ये पूरा दीवार का पत्थर, ये फिटिंग करेंगे लाइन दोरी में। मैं चलो आपको दिखाता हूँ लाइन दोरी में फिटिंग इस प्रकार से दोस्तों। और ये दोस्तों केमिकल लगाया, और ये अंदर डालेंगे सीमेंट और बजरी वाला माल डालेंगे, तो इसकी मजबूती और बढ़ जाएगी, और यहाँ पर कभी कहीं पोकल नहीं रहेगा, पत्थर पूरी मजबूती के साथ में फिटिंग होगा। ये इस प्रकार से लाइन दोरी में दोस्तों फिटिंग करेंगे इसको। इसको दोस्तों सावर में फिटिंग करेंगे। ये हो गया सावर में कंप्लीट। ये दोस्तों इस प्रकार से, और ये रेजर और ये एक ही लाइन मिलेगी, और इसके बाद में हम पत्थर खड़ा करेंगे, वो अलग नाप लेंगे और यहाँ पे रखेंगे पूरी पत्थर की डिजाइन। ये हो गया सावर में, और इसमें भरेंगे कर्व में, बहुत मजबूत हो जाएगा और कहीं पोकल नहीं रहेगा पत्थर। ये है फिटिंग करने का दोस्तों सही तरीका। चलो आगे बताता हूँ पूरा। लाइन दोरी में फिटिंग करें दोस्तों, तो ये रेजर का भाग है और ये ऐसा आएगा, ये इस प्रकार से फिटिंग होगा। ये फिर इसके ऊपर पत्थर आएगा डबल वाला, ये तो ये रहेगा सीमेंट वाला माल, और ये रहेगा इसका ढक्कन, और ये मजबूत हो जाएगा, डबल हो जाएगा पत्थर, तो ये सीढ़ी बजेगी नहीं, आवाज नहीं आएगी और मजबूत हो जाएगी। ये लेवल यहाँ तक आएगी दोस्तों, यहाँ तक। इसके बाद में रेजर और पूरा नाप सेम लाइन दोरी में फिटिंग होगा। देखिए दोस्तों सीढ़ी फिटिंग की, अब ये आया लेवल, और इसको अब गिराएंगे बोर्ड, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये माल लगाया, और ये रेजर, दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे लपटी, तो यहाँ से जॉइंट खाली नहीं रहेगा और धार मजबूत हो जाएगी। यहाँ पे लपटी डालेंगे दोस्तों इस प्रकार से,
ये दोस्तों अब इसको लगाएंगे यहाँ पर। और इतना मार्बल जितना रखेंगे बाहर दोस्तों, ये सब ये चार तीनों तारे एक लेवल से ये हो गया दोस्तों लेवल। और ये इतना ढलान एक नाप से, और अब ये आएगी रेंज दोस्तों इस प्रकार से, यहाँ से रेंज आएगी जॉइंट लेवल। इस ये लेवल हो गया, फिर यहाँ से पूरी सीढ़ी, और ये यहाँ से बॉर्डर लगेगी वो दोस्तों, यहाँ से बॉर्डर लगेगी वो पूरी एक ही नाप से आएगी, चारों तरफ घूमेगी लेवल, और आगे वो भी वो सीढ़ी अलग, और इसका लेवल एक समान मिलेगा आपको। इस प्रकार से फिटिंग करेंगे। देखिए दोस्तों ये पत्थर लगा के कैया कर दिया तैयार, अब ये सूख गया, अब इसमें डालेंगे बजरी और सीमेंट वाला माल। तो ये माल डालने से पहले ये हमने लगाया सपोर्ट दोस्तों, अब इसमें डालेंगे माल तो कहीं पोपल नहीं रहेगा और इसकी मजबूती बढ़ जाएगी, तो वो सीमेंट वाला बजरी वाला माल दीवार पे चिपक जाएगा बहुत ही मजबूती के साथ में, और पत्थर को छोड़ेगा नहीं कभी। कैसे माल बनाते हैं मैं आपको माल के बारे में दिखाता हूँ दोस्तों। सीमेंट डालेंगे और बजरी का माल को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, अब मशीन से हम करेंगे मिक्स इसको, सीमेंट और बजरी वाला माल। इसको करेंगे गाढ़ा गाढ़ा, फिर इसमें भरेंगे माल। और माल मिलाने का दोस्तों ये सही तरीका, घंटों का काम मिनटों में होगा और बहुत बढ़िया काम होगा। इस तरीके से मशीन का यूज करें, ना बस चले। ये दोस्तों है माल भरने का सही तरीका। आपने देखा है मंदिरों पे पहले मार्बल लगाते, पुराने पुराने मंदिरों पे ऐसे ही पत्थर फिटिंग किए। आपने कभी देखा है पत्थर मंदिरों का निकला हुआ? ये सदियों से चला आ रहा है सिस्टम मार्बल फिटिंग करने का। इस तरीके से मार्बल फिटिंग करने से कभी जिंदगी भर पत्थर नहीं निकलेगा और मजबूती सदाबहार बनी रहेगी। अभी क्या है लोग नए नए मिस्त्री काम सीख रहे हैं, बस फटाफट लगाया करो भाई, क्योंकि साल दो साल में पत्थर निकल जाता है। ये पत्थर कभी नहीं निकलेगा, ये सदियों पुराना सिस्टम चला रहा है। ये है दोस्तों मार्बल फिटिंग करने का सही तरीका, और माल पड़ने से पत्थर कभी नहीं निकलेगा। इस तरीके से हमेशा हम मार्बल फिटिंग करते हैं दीवार पे। थोड़ा भराएंगे, अब थोड़ा थोड़ा माल बढ़ते जाएंगे और सूखता जाएगा। इस तरीके से माल बढ़ते जाएंगे, फिर इसके ऊपर मार्बल का पत्थर लगाएंगे, वापस ये सूख जाएगा। दो कलाक के बाद में दूसरा काम, यहाँ पे भी निकालेंगे इसका नाम। और ये दोस्तों सपोर्ट लगाना जरूरी है, सपोर्ट लगा के रखें दोस्तों तो पत्थर निकलेगा। देखिए दोस्तों हमने सीढ़ी लगा के खेत ली गई है, अब ये फ्रंट की पत्थर की साइज का नाप निकालेंगे। और ये नाप ये दोस्तों मोल्डिंग रहेगी, ये मोल्डिंग आप देख सकते हैं, ये मोल्डिंग आएगी वो सेम ही घूमेगी इस तरफ से, एक ही लेवल से पूरी मोल्डिंग आएगी एक लेवल से। अब इसी रेंज और मोल्डिंग से रहेंगे इसका नाप, यहाँ से लेंगे नाप, हम नाप से पत्थर का नाप निकालेंगे। ये दोस्तों आया लेवल, और ये 4 mm हम यहाँ पे लेंगे
ढलान के लिए नीचा रखेंगे ये दोस्तों, 4 mm नीचा रखेंगे और इसकी साइज का नाप निकालेंगे। पत्थर आ रहा है दोस्तों 24 इंच, अब 24 इंच के हिसाब से यहाँ पे पूरे पत्थर काटेंगे और इसमें मिलाएंगे फिगर। फिगर मिलाने से बहुत इसका लुक बढ़ जाएगा और ये है फिगर के बीच का जॉइंट आएगा, उसमें पेंसिल मोल्डिंग वी ग्रुप करेंगे। वी ग्रुप लगाने से इसका जॉइंट का पता भी नहीं लगेगा और डिजाइन दिखेगी आगे से। चलो करते हैं आगे, दिखाता हूँ मैं आपको फिगर के बारे में। दोस्तों ये हमने पत्थर काट के लिए तैयार और फिगर मिलाने के लिए हमने सारे पत्थरों का सेट किए, एक तरफ 7-8 पीस आएंगे तो इसको हमने फिगर सेट किए। ये अब यहाँ पे लगाएंगे पेंसिल मोल्डिंग ऐसे दोस्तों जॉइंटों में, तो जॉइंटों का पता भी चल जाएगा और डिजाइन बन जाएगी। तो पेंसिल मोल्डिंग ये भी नाप से बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये 4 नंबर। दोस्तों इसके बी ग्रुप लगाने के लिए हमारे पास में है टूल, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टूल ये हार्डवेयर की दुकान पर दोस्तों मिल जाएगा। ये टूल के माध्यम से ये मार्किंग करेंगे दोस्तों। आपसे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और उसको जरूर करें। ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको मिलते रहेंगे हर सोमवार शाम 6 बजे मार्बल ग्रेनाइट फिटिंग के बारे में नई नई जानकारी के साथ में हम वीडियो बनाते रहते हैं आपके लिए। चलो करते हैं पूरे काम की शुरुआत। देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमने पत्थर फिटिंग किया और ये वी ग्रुप बनाया, वी ग्रुप और इतने 4 mm धार दिखाई है इस प्रकार से, तो इसका लुक और भी बढ़िया आता है। और ये वी ग्रुप बनाया, वी ग्रुप बनाने से लगाया ऐसे, ये लगाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैंने लाइन दोरी लगाई है, ये दोस्तों लाइन दोरी में पूरा पत्थर फिटिंग किया एक ही लेवल से, लाइन दोरी और लेवल, लाइन दोरी और लेवल से फिटिंग करने का बेस्ट तरीका रहेगा। ये लाइन दोरी बांधने से सही काम होगा। और यहाँ पे हम लगाएंगे केमिकल दोस्तों बीच में, ये और बीच में ये रखेंगे फुल केमिकल दोस्तों, बाकी भरेंगे अंदर माल और बजरी वाला सीमेंट। ये इस प्रकार से करेंगे दोस्तों फिटिंग। ये अब यहाँ पे तो जॉइंट में लगाएंगे बॉम्बे मसाला, इस प्रकार से फिटिंग करेंगे, इसकी मजबूती बहुत बढ़िया रहेगी दोस्तों। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, नए मिस्त्री भाई ध्यान रखें बहुत, अपना काम करें अच्छे से। ये दोस्तों हमने खड़ा किया पत्थर और यहाँ से हम देखेंगे सावर। ये दोस्तों कंप्लीट फिटिंग और इस तरफ भी कंप्लीट आएगा। ये दोस्तों दोनों तरफ से अपना और लेवल में ये ऐसे फिटिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये दोस्तों 4 mm
और ये लाइन दोरी में कंप्लीट, और इसको पास में जैसा उसने, अब इसको चेक करेंगे लेवल से हिसाब से। ये देखिए जैसा कंप्लीट है ये जॉइंट, ये जॉइंट कंप्लीट आया। इससे ये फायदा है दोस्तों, जॉइंट का पता नहीं लगता और दिखने में डिजाइन आती है और अच्छा काम दिखता है। और ये इस प्रकार से इसको करेंगे वापस फिटिंग। अब दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे बॉम्बे मसाला, बॉम्बे मसाला से इसकी मजबूती भी और भी बढ़ जाएगी और जॉइंट भरने की शिकायत नहीं रहेगी, ये डबल मजबूत हो जाएगा। ये वाइट कलर का है और वाइट ही मार्बल। ये दोस्तों मार्केट में मिलेगा 120 रुपये में, 750 ग्राम का डिब्बा आएगा। अब इसको करेंगे वापस फिटिंग। ये दोस्तों अब इसको मिलाया और ये आ गया इसका फिगर, ये लाइन से लाइन ये रेसे मिले, इस प्रकार से ये भी रेसे मिलेंगे। ऐसा डिजाइन बनाया है और फिगर मिलाया सेम टू सेम, बहुत बढ़िया शानदार लगेगा। अब रेसे मिलाने से डिजाइन भी हो जाएगी। ऐसे लाइन दोरी से फिटिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और इसके ऊपर वापस आएगी ये मोल्डिंग, राउंड घूमेगी तो, और ये मोल्डिंग सही एक ही लेवल से फिटिंग करेंगे दोस्तों। वीडियो में एंड तक बने रहना, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, बीच में स्किप ना करें, अधूरा ज्ञान कोई मतलब का नहीं रहेगा दोस्तों। फुल पूरा नॉलेज लेना, अब नए मिस्त्री भाइयों के लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगा हमारा, और हम दिल खोल के पूरा नॉलेज बताते हैं। अब दोस्तों ये पूरा लगाया, अब यहाँ पे लगाएंगे कॉर्नर इस प्रकार से लगाएंगे बॉम्बे मसाला से, जॉइंटों में लगाएंगे बॉम्बे मसाला, फिर अंदर डालेंगे माल, एक दिन सूखने के बाद में सुबह डालेंगे माल।
ये लाइन में किया खड़ा पत्थर और सामने से कट लगाया। कट लगाने के बाद में अंदर किया फिटिंग। ये दोस्तों मार्बल जितना धार बार रखेंगे इस तरीके से ये सभी तीनों भागों में बस देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे जॉइंट सीधा ही लगाया है, काट कुनियों में ही जॉइंट रखा है। ये इस प्रकार से ये भी सीधा जॉइंट लगाया क्योंकि इसमें एक ही लेवल से दोस्तों ढलान है। एक ही लेवल से ढलान रखने से सीधा जॉइंट आप लगा सकते हो और ये भी सीधा जॉइंट है, एक ही लेवल का ढलान है। और यहाँ से ये मिलाया वो भी सीधा और इसके बाद ये 15 इंच की चौड़ाई पर हमने पत्थर लगाया। अब इसमें लगाएंगे अलग से कटिंग करके इस प्रकार से फिटिंग करें बस। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मोल्डिंग की धार एक ही मिला के दिखाऊंगा आपको। ये सीढ़ी और ये पूरी धार एक जैसी मिलाई पूरी एक ही लेवल में और ये वी ग्रुप का शानदार लुक आया दोस्तों। और ये धार रखी है 4 mm और इस प्रकार से पूरा काम किया सुपर फिनिशिंग के साथ में हमने दीवार पे पेड़ला पे मार्बल लगाया इस प्रकार से। चलो मैं आपको दिखाता हूँ पूरा वीडियो सुपर फिनिशिंग के साथ में पूरा काम किया है क्वालिटी।